नमस्कार, फटाफट खबरों साथे हूं छु मासू। समाचारोमां वात करिए गुजरात सरकारे शिक्षण विभाग पाछळ बजेटनी जोगवाईओनुं विश्लेषण करिए तो अत्यार सुधीमां केन्द्र सरकारे कॉलेजोमां ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एटले के दाखल थता विद्यार्थीओनो दर खूब ज नीचे होवानुं मालूम पड़े छे। आंकड़ा प्रमाणे वर्ष 19-20मां 12मां धोरणमांथी अंडर ग्रेज्युएट शिक्षण माटे दाखलो मेळवनारा विद्यार्थीओनुं प्रमाण मात्र 23%, ज्यारे विद्यार्थिनीओनुं प्रमाण 20% रह्युं हतुं। आ माटे उच्च शिक्षणमां शिष्यवृत्तिओनुं ओछुं प्रमाण, विद्यार्थीओना प्रमाणमां ओछुं शैक्षणिक स्टाफ अने सरकारी कॉलेजोनी सामे खानगी कॉलेजोनुं उच्च प्रमाण होवानुं फलित थयुं छे। गुजरात सरकारना शिक्षण विभागना कुल 32,720 करोड़ रूपियाना बजेट पैकी मूड़ी खर्च 1,045 करोड़ छे, जे 3% जेटलो छे। अर्थात शाळाने नवा ओरडा बांधवा के साधनोनी खरीदी पाछळ कुल बजेटनो नહીવત खर्च थवानुं અંદાજ આવ્યો છે। રાજ્યમાં પ્રારંભિક શિક્ષણ માટે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન એક્ટના અમલના 10 વર્ષ પછી પણ શિક્ષકોની અને શાળાઓમાં ઓરડાની પણ ઘટ છે। गुजरात वाहन व्यवहार विभाग ने होली नो तेहवार गत वर्ष की सरखामणी आ वर्षे वधु फळ्यो छे। एसटी निगम ने होली ना तेहवार निमित्ते वधारा बस संचालन थकी 3,75,00,000 जेटली आवक आ वखते थई छे। 14 मार्च-18 मार्च दरमियान निगम द्वारा तेहवार नी मौसम ने ध्यान में राखीने वधारा नी बसों नु संचालन करवामां आव्युं हतुं। गत वर्षे होली ना तेहवार दरमियान 2 करोड़ जेटली आवक थई हती, जेनी सरखामणी आ वर्षे 1 करोड़ नी आवक वधु नोंधाई छे। होली अने दिवाळी ना तेहवार समय एसटी निगम वधारा नी बसों नु संचालन करतु होय छे, त्यारे आ वर्षे निगम द्वारा वधारानी बसों ना संचालन थकी रूपियानी आवक थई छे, जे गत वर्षनी सरखामणी 1 करोड़नी वधु नोंधाई छे। गत वर्षे निगमनी होळीने तहેવાર समय वधारानी बसना संचालन थकी रूपियानी आवक थई हती, तो चालू वर्षे होळीना तहેવાર दरमियान 6,922 ट्रीपनुं संचालन कर्युं हतुं, ज्यारे गत वर्षे कोरोना होवाथी मर्यादित प्रमाणमां यात्रिकोनी अवरजवर जोवा मळी हती अने 3,106 ट्रीपनुं संचालन थयुं हतुं। जापानना वडाप्रधान फुमियो किशिदा 2 दिवसीय भारतनी मुलाकाते आवी पहोंच्या छे। अहीं तेमणे पीएम मोदी साथे मुलाकात करी, तो दिल्ही हैदराबाद हाउसमां बंने नेताओ वच्चे वातचीत योजाई हती। तो जापानना वडाप्रधान फुमियो किशिदाए भारतमां रोकाण वधारवानी जाहेरात करी हती। हवे जापान आगामी 5 वर्षमां भारतमां 3.20 लाख करोड़नुं मूडीरोकाण करशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी साथे योजायेली बैठक बाद जापानना वडाप्रधाने आ जाहेरात करी हती। जापानना पीएमए मुलाकातना प्रथम दिवसे दिल्ही स्थित हैदराबाद हाउसमां पीएम मोदीनी मुलाकात समय अनेक मुद्दा उपर चर्चा विचारणा थई हती। त्यारबाद बंने नेताओए 14मां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलनमां भाग लीधो हतो। સંમેલનમાં પીએમ મોદીએ કહ્યું હતું કે જાપાનના પીએમ આપણા જૂના મિત્ર છે। જાપાનના વડાપ્રધાન બન્યા બાદ ફુમિયો કિશિદાનો ભારત ખાતેનો પ્રથમ પ્રવાસ છે અને તેઓ પ્રથમ વખત પીએમ મોદીને મળ્યા છે। ભાજપ ભારત જાપાન આર્થિક મંચને સંબોધિત કરતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું છે કે પ્રગતિ, સમૃદ્ધિ અને ભાગીદારી ભારત જાપાનના સંબંધોની આધાર છે અને ભારતમાં જાપાનની કંપનીઓને શક્ય તમામ સહાયતા આપવા માટે કટિબદ્ધ છે। તો ભારત જાપાન આર્થિક ભાગીદારી વચ્ચે આર્થિક ભાગીદારીમાં પ્રગતિ થઈ છે, તો જાપાન ભારતમાં સૌથી મોટા રોકાણકારો પૈકીનો એક દેશ છે। ભારત જાપાનમાં મુંબઈ અમદાવાદ હાઈ સ્પીડ રેલ કોરિડોર પર વન ટીમ વન પ્રોજેક્ટના સ્વરૂપમાં કામ કરી રહ્યું છે। તો આ મુલાકાતમાં અમારા સહયોગને નવી ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવામાં, માર્ગ પ્રશસ્ત કરવામાં આવ્યો, તેમજ અમારા દ્વિપક્ષીય મુદ્દા ઉપરાંત અનેક ક્ષેત્રીય અને વૈશ્વિક મુદ્દા અંગે વિચારોનું આદાન પ્રદાન કરવામાં આવ્યું હતું। તો અમે યુનાઇટેડ નેશન અને અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય મંચો ઉપર પણ અમારું સંકલન વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે। પાકિસ્તાનની ઇમરાન ખાન સરકાર વિરુદ્ધ વિપક્ષી મોરચાના વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ વચ્ચે રાજકીય તણાવ વધી રહ્યો છે, જે બાદ હવે વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનની ખુરશી ખતરામાં છે। પાકિસ્તાન આર્મી અને બગડતા સંબંધો વચ્ચે શુક્રવારે પાકિસ્તાન આર્મી ચીફ જનરલ બાજવા ઇમરાન ખાન સાથે મુલાકાત કરી હતી। હવે ઇમરાન ખાને શનિવારે બપોરે બાનીખાલા સ્થિત પોતાના ઘરે તેમની પાર્ટી પીટીઆઈના નેતાઓની બેઠક બોલાવી હતી। ચર્ચા એવી પણ છે કે વિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પહેલા જ ઇમરાન પર રાજીનામું આપવાનું દબાણ વધી રહ્યું છે। ઇમરાન ખાનના પાકિસ્તાન સેના સાથેના સંબંધો છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ખરાબ થયા છે। તાજેતરના એક સરઘસ દરમિયાન પણ ઇમરાન ખાને કહ્યું હતું કે સેનાએ તેમને વિપક્ષી નેતા ઉપર ખોટી ટિપ્પણી કરવાની મનાઈ કરી છે। માણસ અધિકાર સાથે ઉભો છે એવું માનવામાં આવે છે કે ઇમરાન ખાનના કાર્યકાળમાં પાકિસ્તાનની સેના ખરાબ વહીવટ, કથળતી અર્થવ્યવસ્થા અને નિષ્ફળ વિદેશ નીતિની આડમાં ઇમરાન ખાન સરકારને આપેલું સમર્થન પાછું ખેંચી શકે છે। કહેનારાઓ એમ પણ કહી રહ્યા છે કે વિપક્ષનો અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ પણ સેનાના સમર્થન વિના આવતો નથી। ન્યુયોર્ક ટાઈમ્સે યુક્રેનની આર્મીના એક સિનિયર અધિકારીને ટાંકીને કહ્યું છે કે
माइकोलाइव पर रॉकेट हुमला में 40 यूक्रेनी सैनिकों मौत थया छे। ज्यारे युक्रेनी आ साथे ओ पण दावो कर्यो छे कि अत्यार सुधी में रशियाना हुमला में 112 जेटला निर्दोष बाळको भोग लेवाई गया छे। रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिने तेमना पर्सनल स्टाफना आश्रे 1000 सभ्योने हटावी दीधा छे। हकीकत में पुतिनने डर लागे छे कि आ लोको तेमने कोई झेर न आपी दे छे। लोकोने हटावामां आव्या छे तेमां बॉडीगार्ड, कूक, कपड़ा धोनारा अने अंगत सचिवोनो समावेश थाय छे। रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिने शुक्रवारे रात्रे राजधानी मॉस्कोमां युद्धना समर्थकों द्वारा योजवामां आवेली रेलीमां भाग लीधो हतो। मॉस्को पोलीसना जणाव्या प्रमाणे 2 लाखथी वधारे लोको लुसानिया स्टेडियमनी अंदर पहोंची अने तेमनी चोतरफ उपस्थित रह्या हता। युक्रेनी पासेथी छीनवी लेवामां आवेला क्रिमियाई प्राय द्वीप उपर रशियाना कब्जानी 8મી વર્ષગાંઠ પ્રસંગે આ રેલી યોજાઈ હતી। युक्रेन पर हुमला वच्चे रशियाना राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिने मॉस्कोना फूटबॉल स्टेडियम में मोटी रेली योजी तेमज प्रसंग हतो युक्रेनना क्रिमिया पर रशियाना कब्जानी 8મી વર્ષગાંઠનો। पुतिने तेमना भाषण में युक्रेन परना हुमला ने फरी व्याजबी गणाव्यो। तेमने सैनिकों मनोबल वधारता कह्यु छे के रशियन सैनिकों खबे खबो मिलावी एक विचार ने सहकार आपे छे। पुतिने वचन आप्यु छे के रशिया तेना आयोजन में सफल थशे। जो कि पुतिननुं भाषण चालू हतुं त्यारे सरकारी टीवी चैनल पर प्रसारण अचानक ठप थई गयुं। त्यारे टीवी पर देशभक्ति ना गीतो प्रसारित थवा लाग्या हता अने थोड़ी वार बाद प्रसारण फरी चालू थई गयुं। तो रेली में हजारों लोकोए रशिया रशियाना नारा लगाव्या जेमां झेड शब्दनो सविशेष उपयोग करवामां आव्यो। आ शब्द रशियन सैन्य युक्रेनना एक लक्ष्य तरीके वापर्यो छे। अन्य एक नारो हतो जा पुतिना एटले के पुतिन माटे। पुतिने कह्युं के आपना सैनिको युद्ध लड़ी रह्या छे तेने विशेष सैन्य अभियान नाम अपायुं छे। पुतिने कह्युं छे के रशियामां आवी एकता घणा वर्षो बाद जोवा मळी छे। केन्द्र सरकारना स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत राज्यमां शौचालयना बांधकाममां मोटुं कौभांड थयुं होवानुं सामे आव्युं छे। आ मामले गुजरात हाईकोर्ट समक्ष थयेली जाहिर हितनी अरजीमां बनासकांठामां थयेला शौचालय कौभांडनी नोंध लेता हाईकोर्टे समग्र राज्यमां तपास करवा हुकम कर्यो छे। जिला अने तालुका स्तरे कमिटी बनावीने तपास करवा हाईकोर्टे आदेश आप्या छे। तो बनासकांठा जिल्लाना दियोदर तालुकाना चीबड़ामां शौचालय बांधवानी योजना मात्र कागळ पूरती सीमित राखी लाभार्थीओना पैसा बचावी पाड़वानो किस्सो सामे आव्यो छे। जे बाबते गुजरात हाईकोर्ट समक्ष जाहिर हितनी अरजी करवामां आवी छे। जे मामले मुख्य न्यायाधीशनी खंडपीठे नोंध लेता तालुका अने जिल्ला स्तरे कमिटी बनावी तपास करी तेनो रिपोर्ट रजू करवा माटे हुकम कर्यो छे। न मात्र आ किस्सा पूरतुं परंतु राज्यभरमां आ योजना संदर्भे तपास करी तेनो रिपोर्ट तैयार करवा माटे कोर्टे कह्युं छे। केवड़िया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नजीक तैयार करवामां आवेला जंगल सफारी पार्क तैयार करायो छे। जेनी 18 फेब्रुआरी 2020ना रोज वडाप्रधान मोदीनी उपस्थितिमां लोको माटे खुल्लो मुकवामां आव्यो हतो। आ सफारी पार्कमां विदेशथी पशु पक्षीओ लावामां आव्या छे। केटलाय विदेशी प्राणीओ आकर्षणनुं केन्द्र बन्या छे। त्यारे गुरुवारे विधानसभामां कोंग्रेसना धारासभ्યએ सरकारने सवाल कर्यो हतो के जंगल सफारी पार्कमां अन्य राज्योमांथी तेमज विदेशथी लावामां आवेला केटलाक प्राणीओ अने पक्षीओ जीवित छे। जेना जवाबमां सरकारे लेखितमां जणाव्युं हतुं के जंगल सफारी पार्कमां विदेशथी लवायेला 49 प्राणीओना मौत थया छे। विधानसभामां दाणी लीमडाना धारासभ्य शैलेश परमाना प्रश्ननो उत्तर आपता राज्य सरकारे खुलासो कर्यो हतो के विदेशथी 22 प्राणीओ लावामां आव्या हता जेमांथी 8ना मौत थया छे। विदेशथी लवायेला पशुओमां 5 अल्पाका, 4 लामा, 5 वालबीज, 5 जिराफ तेमज 3 जीब्रा, 3 बिल्डबीस्ट अने 2 ओरिक्सनो समावेश थाय छे। जेमांथी 3 अल्पाका, 3 बिल्डबीस्ट, 2 लामा, 2 ओरिक्स, 2 वॉलबीज, 1 जिराफ अने 1 जीब्रा जीवित रह्या छे। विदेशथी लवायेला मोटा भागना पशु अने पक्षीओना वाहिका तंत्र अने श्वसन तंत्र निष्फळ जता मौत थया छे। तो मृत्युना अन्य कारणोमां हाइपोवोलेमिक शॉक, एस्मेसिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर तेमज पेटमां गंभीर दुखावो, निमोनिया अने हृदय बंद थई जवानो समावेश थाय छे। अमदावादनो नारणपुरा विस्तार फरी एकवार विवादमां आव्यो छे। बिल्डिंग मटीरियल डम्प साइट बाद हवे नारणपुरा क्रॉसिंगथी गाम सुधीना 1.5 किलोमीटरना रोड कपातने लईने स्थानिक लोको बेनर लगावी विरोध करी रह्या छे। 80 फूटना रोडने हवे 100 फूटनो रोड बनावा मुद्दे स्थानिक लोकोए विरोध करी आखा रोड पर बेनरो लगाव्या छे। स्थानिक लोकोनो आक्षेप छे के रोड पर कोई ट्राफिक जाम थतो नथी, रोडने पहोळो करवानी जरूर नथी, छतां वर्तमान कोर्पोरेटर अने भूतपूर्व कोर्पोरेटर तेमज माजी मेयर गौतम शाहने कपातमां विशेष रस छे। તેઓએ આક્ષેપ કર્યો છે કે કોર્પોરેટરોને રોડ પર જે સોસાયટીઓ રીડેવલપમાં જાય છે તેમાં બિલ્ડરો સાથે સાઠગાંઠ કરી તેમાં એફએસઆઈમાં વધારો આપવા માટે રોડ કપાત કરવા માંગે છે। સ્થાનિક રાકેશ પટેલ સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે અમારો રોડ હાલમાં 80 ફૂટનો છે, તેને 100 ફૂટનો કરવા માટે થઈને રોડ કપાતમાં લાવવામાં આવ્યો છે। આ રોડ ઉપર કોઈ ટ્રાફિક જામ થતો નથી અને નારણપુર ગામ રોડ સુધી આગળ આશ્રમ રોડની કોઈ પણ કનેક્ટિવિટી નથી, છતાં પણ આ રોડને વધુ પહોળો કરવા માટેની કવાયત કરવામાં આવી છે।
गुजरात राज्य में अभ्यासक्रम में भागवत गीता पाठ भणावा मुद्दे राजकारण गरमाई चुक्यू छे। आम आदमी पार्टी डेप्यूटी सीएम द्वारा गुजरात अभ्यासक्रम बाबते विवाद नो मत पूरो छंछेड़वामां आवता केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाए वर्तो जवाब आप्यो छे। गुजरात अभ्यासक्रम में गीता पाठ दाखिल करने मुद्दे राजकारण तेज थयुं छे। केन्द्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाए निवेदन आप्यु छे कि भारत में गीता अने तेना पात्रों सामे निवेदन थई शके छे, परंतु मदरेसामां केम कुरान भणावामां आवे छे ते सवाल उठावी जुओ तो मदरेसानी टीका केम नथी थती, तो राज्य सरकारनो सारो निर्णय छे एटले तेनो विरोध थई शकतो नथी। तो गुजराती शाळाओमां हिंदू धर्म ग्रंथ भागवत गीतानो अभ्यास करावाने लईने राजकारण गरमायुं छे। आम आदमी पार्टीना वरिष्ठ नेता अने दिल्हीना नायब मुख्य प्रधान मनीष सिसोदियाए गीताना अभ्यासने लईने सवाल उठाव्या हता, तो केन्द्रीय प्रधान पुरुषोत्तम रूपालाए पोताना आगवा अंदाजमां सिसोदिया पर वर्तो प्रहार कर्यो हतो। विश्व चकली दिवस निमित्ते चकली घर अने पाणीना कुंडानुं वितरण तो श्रवण सुखधाम संस्था विहंगनो विसामो द्वारा हिम्मतनगरमां आवेली ग्लोबल प्राइमरी स्कूल अने आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूलना विद्यार्थीओ अने स्टाफने माटीना चकली घर अने पाणीना कुंडानुं वितरण करवामां आव्युं हतुं। आ वितरण व्यवस्थामां श्रीमती धर्मिष्ठाबेन हंसराज प्रजापति संस्था वती उपस्थित रह्या हता, तो ग्लोबल स्कूलना प्रिंसिपाले संस्था परिवार ने आ सेवा कार्य माटे शुभेच्छा पाठवी हती। आनंद मार्गना व्यवस्थापक सूरज सभर सरे आ अभियान ने वधु वेगवंतु बनावा माटे अने सहकार आपवा माटे जणाव्यु। अरवली भिलोडाना खुमापुर में घऊना खेतर में आग लागी हती, तो जीबीनी बेदरकारी ने कारण काले आग लागी हती, तो खेतर में आग लागता तेमज जीवंत वीजवायर पड़ता आग लागी हती। तो राजेश भाई पटेल खेतर में आग लागता अंदाजित 1 लाख नु नुकसान पहुंचू छे, तो लोको द्वारा आग पर काबू मेळवामां आव्यो। उभराट बीच पर युवानो डूब्या हता, 3 युवानो डूबी जता 3 लोकोना मौत, तो एक युवान सूरतनो 1 नवसारीनो युवान, तो नवसारीना उभराट बीच पर मोड़ी रात्रे 3 युवानो डूबी जता तेमना मौत थया हता। तो दरियामां नाहवा पड़ेल 3 युवानो पैकी 2 सूरत अने 1 नवसारीना विजलपोरनो वतनी हतो। आम तमाम 3 युवानोना मृतदेहने पोस्टमार्टम माटे मोकली आपवामां आव्या हता। आ अंगे पोलीसे गुनो नोंधी वधु तपास शुरू करी हती। सुजलाम सुफलाम जळ अभियान 2022 नो पंचमहाल जिल्ला कक्षानो कार्यक्रम शहेराना धामणोद खाते थी करवामां आव्यो, तो विधानसभाना उपाध्यक्ष जेठाभाई भरवाडना हस्ते करवामां आव्यो शुभारंभ। तेमज जिल्लामां आ योजना हेठळ 552 कामो करवानुं आयोजननो शुभारंभ करवामां आव्यो। आ प्रसंगे प्रासंगिक उद्बोधनमां जेठाभाई भरवाडे जिल्लामां आगामी दिवसोमां शुगर मिल शरू थवाना प्रयत्नोनो आप्यो अणसार, तेमज पीडीसी बेंक अने पंचमहाल डेरीनी मदद बाद खेडूतोना माटे आनंदना समाचार कही शकाय। साबर डेरी द्वारा 1 मास में 2 वक्त दूधना भाव में किलो फेटे वधारो कराता पशुपालकों में खुशी माहौल जोवा मळ्यो छे। तो 1 मार्चे 10 नो भाव वधारो कर्यो हतो अने वधु एक वार दूधना भाव में वधारो करवामां आव्यो छे। प्रति किलो फेटे ₹10 नो वधारो करवामां आव्यो छे। आम तो काचा माल में अने घास में भाव वधारो थयो हतो त्यारे पशुपालकोनी पण रजूआत हती, एटले के आ वखते साबर डेरी द्वारा 1 मास में 20 रूपियानो भाव वधारो कर्यो छे। गुजरातना तमाम दूध संघों करता साबर डेरीनो भाव सौथी वधु छे। जो भावनी बात करवामां आवे तो साबर डेरी द्वारा किलो फेटे हवे भैंसना 730 अने गायना 313.60 अपाशे, तो भाव वधारो 21 तारीखथी अमली करवामां आवशे। अंग्रेजी माध्यमना वधता मोहने कारणे छेल्ला 3 वर्षमां अमदावादमां गुजराती माध्यमनी 50 स्कूल बंध थई छे। तो 2022 गुजराती माध्यमनी वधु 16 स्कूलना संचालकोए स्कूलो बंध करवा अरजी करी छे। तो गुजराती माध्यमनी सतत बंध थई रहेली स्कूलोने कारणे गुजराती भाषाने प्रमोट करवानी सरकारनी नीति सामे प्रश्नार्थ उभो थयो छे। नेशनल एज्युकेशन पॉलिसीमां मातृभाषाने प्राधान्य अपाई रह्युं छे, परंतु तेनी सामे राज्यमां मातृभाषाना माध्यममां चाली रहेली स्कूलो सतत बंध थई रही छे। तज्ञोना मते सरकार द्वारा गुजराती माध्यम अने भाषा पर कोई चोक्कस पगला अथवा नीति बनावामां नहीं आवे तो आवनारा वर्षोमां गुजराती माध्यमनी स्कूलो बंद थई शके छे। संचालकोना मते गुजराती माध्यम बंद थवानुं मुख्य कारण स्कूलोने विद्यार्थीओ मळता नथी, जेथी स्कूलोने निभाववा माटेनो खर्च संचालकोने परवडतो नथी। आ स्थितिमां संचालको स्कूल बंद करी रह्या छे। आ સાથે જ કોરોના મહામારી દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં વાલીઓએ સરકારી સ્કૂલોમાં એડમિશન લેતા ઓછી ફી ધરાવતી અને નાની સ્કૂલોને તેની મોટી અસર થઈ છે, કારણ કે સરકારી પ્રાથમિક સ્કૂલોમાં એડમિશન લેનારા મોટાભાગના બાળકો ગુજરાતી માધ્યમની સ્કૂલોમાં જ હતા। અમદાવાદમાં વધુ એકવાર મોબાઈલ ચોરીની શંકા એક વ્યક્તિનો ભોગ લીધો છે। હાલમાં જ એક યુવકની મોબાઈલ ચોરીની શંકામાં હત્યા કરાઈ, ત્યારે હવે રખિયાલમાં મોબાઈલ ચોરીની આશંકાએ આધેરનું અપહરણ કરી હત્યા કરાઈ હોવાની ઘટના બની છે। આરોપીઓએ વેપારીને માર મારી સ્ત્રીથી દામ આપ્યા અને ગેસની પાઇપથી ક્રૂરતાથી માર મારતા ચામડી ઉખાડી નાખી હતી। પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીની ધરપકડ કરી ગુનાનો ભેદ ઉકેલ્યો છે।
तो रखियाल पुलिस मोहम्मद सितारी उर्फे गोल्डन मोहम्मद तोहीद समीम अहमद अने आजाद शेख नामना आरोपी की धरपकड़ करवामां आवी छे। रखियाल में आवेला यस प्लाजा में आरोपी रहता था, जहां नौकरी करता 52 वर्षीय मोहम्मद हुसैन शेख पर आरोपी नो एक दिवस पहला गुम थयेलो मोबाइल चोरी करी होवानी आशंका राखी वहली सवारे झगड़ो करी कारखाना में लई जई गरम इस्त्री शरीरे चोंटाड़ी तेमज गैसना सिलिंडर नी पाइप थी एटली हदे मार्या हता के शरीर नी चामड़ी उतरी गई हती। जे बाद आरोपीए आदेड ने उचकी रिक्शा में लई जई लाल बहादुर स्टेडियम पासे आवेली नूतन भारती स्कूल पासे मुकी फरार थई गया हता। देशना शहीद क्रांतिकारी अमर गाथा रजू करते वीरांजलि कार्यक्रम 23 और 24 मार्च रोज अमदावाद में योजना है। त्यारबाद तबक्कावार राज्य अलग अलग शहरों में वीरांजलि कार्यक्रम योजा तो कोरोना कारण 2 वर्ष थी आ कार्यक्रम योजा न हो चालू वर्षे 23 मार्च रोज कर्णावती क्लब और 24 मार्च निकोल खाते आ भव्यती भव्य वीरांजलि कार्यक्रम आयोजन कर मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल कर्णावती क्लब में 23मी आ कार्यक्रम उद्घाटन करते 13मा वर्षे पण मोटा कार्यक्रम आयोजन कर वीरांजलि समिति और भाजप प्रदेश महामंत्री प्रदीपसिंह वाघेलाए कार्यक्रम अंगे जणाव्युं हतुं के वर्ष 2008 थी शहीदों ने याद करवानुं अने तेमने श्रद्धांजलि आपवा माटेनुं आ कार्यक्रम शुरुआत कराई हती। अमदावाद में वस्त्रापुर थी कृणाल शाहनी साथे मळीने आ वीरांजलि कार्यक्रम की शुरुआत 12 वर्ष पहला करी हती। तो साणंद में मारा वतन बकराणामां नाना कार्यक्रम की शुरुआत तो आज 13मा वर्षे पण मोटा कार्यक्रम आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। एक दिवस ए देशना शहीद क्रांतिकारी याद करवानो दिवस छे। तो फटाफट खबरों में अत्यारे बस आटलू ज वधु समाचार जोवा माटे जोता रहो अरवली समाचार एटले तमारो विस्तार तमारी वात।